झारखंड के दो बच्चों को इसरो में 7 सितंबर को होने वाले चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देखने का मौका मिलेगा। पूरे राज्य के हजारों बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन के बाद केवल दो बच्चों का चयन झारखंड से हुआ है। पीएम के साथ चंद्रयान को उतरने देखेंगे और प्रधानमंत्री के साथ इन बच्चों को बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। उनमें से एक बच्चा डीपीएस का भी है। रांची के डीपीएस स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाला प्रणय पराशर प्रधानमंत्री के साथ बैठकर चंद्रयान 2 को लाइव उतरते देखेंगे। इस मौके को लेकर प्रणय और उनके परिजन बेहद खुश हैं। प्रणय ने बताया कि ये उनके जीवन का ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके साथ साथ उसने कई सवाल तैयार किए हैं। अगर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा तो उन सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री से पूछेंगे। फिलहाल तो बहुत सारे सवाल है, तो उनमें से कोई एक जो सब मतलब जो पूछने लायक हो वो सवाल मैं पूछने की कोशिश करूंगा। जैसे बहुत सारे सवाल हैं कि मतलब वो इतने 18-18 घंटे काम करते हैं मोदी प्रधानमंत्री मोदी, तो वो मतलब उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि वो पूरे दिन काम करते हैं और सिर्फ 4 घंटे की नींद के बाद भी वो एकदम फ्रेश और तरोताज़ा रहते हैं। मिशन से रिलेटेड तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो उस बारे में मैं मतलब उसके लिए वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं पूछूंगा। अगर मौका मिला तो मतलब जो सवाल अच्छा लगेगा उसके बारे में पूछूंगा। डीपीएस स्कूल का विद्यार्थी प्रणय इन दिनों काफी लोकप्रिय है अपने विद्यालय में। वजह है प्रधानमंत्री के साथ बैठकर चंद्रयान 2 को उतरते हुए लाइव देखना। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह बेहद खुश हैं। इस क्विज पूरे ऑल इंडिया में कंडक्ट किया गया था जिसमें झारखंड से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। प्रणव जो है डीपीएस रांची का बच्चा झारखंड से सिलेक्ट हुआ है, एक बच्ची सेंट थॉमस से है। यह बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणा है, बच्चों का इंटरेस्ट स्पेस रिसर्च में क्रिएट करेगा। जहां तक स्कूल की बात है, स्कूल के सभी बच्चे इससे उत्साहित हैं और गौरव महसूस कर रहे हैं। ऐसे डीपीएस स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे में प्रणय का प्रधानमंत्री के साथ चंद्रयान 2 को लाइव देखना ये स्कूल के लिए ऐतिहासिक होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजनी कुमार, न्यूज 11, रांची।